ओए, कौन हो तुम सब? हम पूजा चेक कर रहे हैं जी। पूजा? कौन पूजा? ए, अब इतनी जेंटलमैन की एक्टिंग मत करो बॉस। चलना, मैं क्यों एक्टिंग करूंगा नॉनसेंस। पूजा कौन है मैं नहीं जानता। अरे भूल गए, सुबह आई तो थी लैपटॉप रिपेयर के लिए। ओहो, तुम ही हो पूजा। वैसे मैं काम में बिजी था ना, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। तो बिना एक्सप्रेशन के रोंदू सी शक्ल बनाकर मुझसे क्यों लड़ने आए हो? ध्यान नहीं दिया बोल रहे, तू बाजू हट। ये तुम सिस्टम सर्विस करने में स्मार्ट हो ना, मेरा भी सर्विसिंग कर दो। सर्विस? कैसी सर्विस? मेरा सिस्टम। क्या कहा? मेरी भी बहुत ढीली हो गई है, टाइट करना है। मतलब? मेरा लैपटॉप का स्पेयर पार्ट्स। ओ, बच गया। ओ, और तुम्हारा? मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो सब पूरा कर दो। तुम्हारी विशेष, मैं पूरी करूं? यूट्यूब में सिनेमाज देखना है। ओहो, विकिपीडिया में बायोडेटास पढ़ना है। बस इतना ही? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मैंने सोचा था तुम फास्ट होंगी, नहीं तुम सब स्लो। लड़कियों को पटाने के लिए जितना कंपटीशन लड़कों को है, उतना ही कंपटीशन लड़कियों को भी होता है। फिर तुम्हारे जैसा मिलना तो मुश्किल है ना। मर्दों के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च है, मतलब आप सबकी नजर मुझ पर है। मुझे सावधान रहना होगा। अब आप चुम्मा दोगे, हक दोगे, किस दोगे, आपकी मर्जी। हाँ? जो भी होगा वो सब रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में, फेसबुक में भेजना मेरी आदत है। हाँ? तुम्हें ओके है तो मुझे भी ओके है। कम ऑन। बाबा रे, ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, खिलाड़ी है, पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। हमारी बस की बात नहीं है, इसके लिए तू ही सही है। बस ये और ये क्या कर रही हो? अरे छोड़ो, अरे 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 जाने तो मुझे छोड़ो। अरे अरे अरे, आग लगा के कहाँ जा रही हो जाने मन? हे बॉस, हम बड़े लोगों का स्टाइल ही कुछ अलग होता है। बाद में मिलती हूँ, ठीक है ना? ये लड़की मामूली नहीं है, वेरी स्मार्ट। नो नो, वेरी हॉट। नहीं भाई, इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट है, सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा। गुरुजी को सॉफ्ट सिनेमा की बजाय एडल्ट सिनेमा दिखाया था क्या? बिना इंटरवल के ही कंटिन्यू करना चाह रही थी मैं, मगर पहले ही दी एंड करना पड़ा। ए, दी एंड बोल रही हो? क्या क्या किया रे? बताने से मजा नहीं आएगा, वो तो देखना ही पड़ेगा। घर पर तो कोई भी नहीं है, ये चला कहाँ गया? बैठे हैं, इस सिस्टम को रिपेयर कर रहे हैं, और मेरे सिस्टम का क्या होगा? यहाँ नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा, मेरा तो काम ही यही है। इस सिस्टम के सामने बैठकर बड़ा बन रहे हो, और मेरी फीलिंग्स का क्या होगा? कैसी फीलिंग्स? मुझे तुमसे क्या चाहिए तुम्हें नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? क्या चाहिए तुझे? चिकन चाहिए, बनवा दूंगा। मिठाई चाहिए, मंगवा दूंगा। पायल चाहिए, दिलवा दूंगा। बताना क्या चाहिए तुझे? मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे जो चाहिए
पता नहीं क्या बात कर रही है, पास जाके सुनता हूँ। और जानते हो फिर क्या हुआ? बता दो सब बता दो। हाँ लड़की जरा उठो, केक भी लेके जाओ। अभी तुम कुछ बता रही थी ना, जो तुमने किया था या मैंने करवाया था। मुंह खोलो, बताओ। वो हाँ? वो मैं सपने में देख रही थी। सपना? ज्यादा चालाक बन रही है। अगर तुम सबको ऐसे बताओगी तो वो सच नहीं मानेंगे क्या? जो जो सपने में सोचा था वो करवाना तुम्हें मंजूर है ना? बाप रे, तुम बम हो तो ये न्यूक्लियर बम है। बहुत डेंजरस हो यार तुम लोग। शंकर, पैसे भेजने के लिए बोलते हो, तेरे पास अकाउंट तो है नहीं, मैं ऑनलाइन कैसे भेजूं? समझ में नहीं आता तेरे को? वहां के देता हूँ, फोन रख। क्या है भैया? कैसे भी हमारा काम करता है। अबे तू कैसे क्या कभी अभी करके शुरू मत हो जाना। मैंने बताया था ना ये काम नहीं करूंगा। क्यों पीछे पड़ा? जब मुझे नहीं करना तो नहीं करना, समझ नहीं आता क्या? क्योंकि ये काम तुम ही कर सकते हो। ए, तेरे को शर्म वरम नहीं है क्या? लड़की होकर मर्दों की तरह सिगरेट पीती रहती है, और ये जोकर सी शक्ल, लंबे लंबे बाल, एक दुगना सारे के सारे गिर पड़ोगे, बता रहा हूँ तेरे को। कूल कूल। अरे तो क्या करूँ, समझ में कहाँ रहे तुम्हें? अब की बार मेरे सामने आ गया ना तो बता रहा हूँ किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेलो बॉस, हेलो बॉस, प्लीज रुको। ओए, जो बोला वो कर। डोंट वरी भाई, किसी भी तरह से उस हार्ड डिस्क का लॉक ओपन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। देर मत कर बेवकूफ, डू व्हाट आई से नाउ। ओके भाई। हे कूल, व्हाट हैपेंड डार्लिंग? भाई बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आफ्टर ऑल एक हार्डवेयर के बंदे को डील ना कर पाना मुझे बहुत इंसल्टिंग लग रहा है। एक हार्ड डिस्क को ओपन करना बहुत बड़ा टास्क बन चुका है, और ये काम उसके सिवा और कोई कर भी तो नहीं सकता। ऑपोजिट पर्सन से जब काम हो तो वीकनेस के मुताबिक सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। हिस्ट्री में हर एक वॉर के पीछे एक लेडी होती है। उस हार्ड डिस्क ओपन करने के पीछे ये लेडी रहेगी। पर कैसे? I will handle, you don't worry. तुम मेरे घर में क्यों आई? तुमसे बहुत कुछ बात करने का है। तेरे से बहुत कुछ काम है। चलट। सुंदर सी लड़की तेरे पास आ गई तो क्यों आई हो? कौन बोलता है? चलट। ए, दूर रह मुझसे। अरे मेरे को काम करने दे तेरे को। अरे कैसी लड़की है तू? दूर रह मुझसे। डोंट टच मी। 36-24-36 परफेक्ट फिगर, कुछ भी कर सकते हो। अगर अपनी पे आ गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हट। ए हट। ए, लड़की की सुंदरता साई से नहीं होती, चरित्र, विनम्रता और सही बर्ताव इससे होती है। अच्छा मौका मिस कर रहा है। तुम्हारे लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। ए चल बाहर निकल। तेरे जैसी लड़की हाँ बोलेगी तो मर्द अपना सब कुछ बेच कर तेरे पीछे पीछे आएगा। ये तेरी गलत फहमी है। आदमी को तुम्हारे लटके झटके नहीं चाहिए, बल्कि दिल को दिल से प्यार करने वाली लड़की चाहिए, जो कि मेरे पास है। यू कैन गो। गो। इसको देख के क्या ये इतना फुदक रहा है? कौन थी वो? क्यों आई थी यहाँ? अरे वो कचरा थी, लीव इट ना। वो मुझे इतनी देर से घूर रही थी और तुम कहते हो लीव इट? अरे ऐसे लोगों को भाव देने की जरूरत नहीं है, छोड़ना। वो मेरे घर पर आकर मुझे घूर गई और तुम कहते छोड़ दो? दिस इज टू मच। लो शुरू हो गया लड़की का ड्रामा। तुम्हारी इनफीरियोरिटी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। क्या समझ गए तुम? अरे अरे रो मत, इधर आओ। अरे सुनो तो सही, सुनो। लाइफ में हमें कई लोग मिलते रहते हैं, लेकिन हम सबसे पहचान थोड़ी ना बढ़ाते हैं। वो लाइफ में आते जाते रहते हैं,
पर मेरी लाइफ में हमेशा सबसे पहले तुम ही रहोगी, ये मेरा वादा है। प्रॉमिस ना? अपनी कसम। सच्ची? तुम्हारी कसम है? हमारे प्यार की कसम।